प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन के लिए 21 अगस्त से 31 दिसंबर तक चलाए जाने वाले विशेष अभियान मिशन शक्ति फेज 3 का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह, उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग श्रीमती अंजू चौधरी, सदर विधायक डॉक्टर राधामोहन दास अग्रवाल, विधायक शीतल पांडे, विधायक पिपराइच महेंद्र पाल व सदस्य राज्य महिला आयोग निर्मला द्विवेदी की उपस्थिति में एनेक्सी भवन में किया गया। इस दौरान लखनऊ से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लाइव प्रसारण भी किया गया, जिसके अंतर्गत संपूर्ण प्रदेश के विभिन्न विभागों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया, जिसमें जनपद से नामित 2 महिला कार्मिक शिक्षिका एवं चिकित्सा अधिकारी शामिल रहीं। साथ ही मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की बालिकाओं को ऑनलाइन धनराशि का हस्तांतरण भी किया गया। प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम के लाइव प्रसारण के पश्चात जनपद के कार्यक्रम में मिशन शक्ति फेज प्रथम और द्वितीय में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला कर्मियों, स्वयं सेवी संगठन, स्वयं सहायता समूह, उद्यमी एवं ग्रामीण उत्थान के क्षेत्र में कार्यरत 75 कड़ी महिलाओं को जन प्रतिनिधियों द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही उन्हें मास्क व राखी भी वितरित किया गया। कार्यक्रम में एडीएम वित्त व राजस्व राजेश कुमार सिंह, जिला प्रोबेशन अधिकारी सर्वजीत सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी हेमंत सिंह, पुलिस अधीक्षक अपराध डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह, महिला कार्य अधिकारी तुहिना दास गुप्ता, सेंटर मैनेजर वन स्टॉप सेंटर पूजा पांडे, विधि सह परिवीक्षा अधिकारी शशिकांत चौहान, जिला समन्वयक महिला शक्ति केंद्र राशि कौशिक, सामाजिक कार्यकर्ता सुनीता चौहान, सामाजिक परामर्शदाता सौरभ दुबे सहित अन्य विभागीय अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा, कार्रवाई करते हुए महिलाओं को सशक्त बनाने तथा उनके सम्मान और उनकी सुरक्षा को बेहतर करने, उनके सुरक्षित माहौल प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार कटिबद्ध रूप से कार्य करते हुए सरकार के निर्देशन में सभी 24 विभागों ने पिछले 2 फेज के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, जिसमें गोरखपुर में भी लगभग 7 लाख महिलाओं तक इस योजना के अंतर्गत 2 फेज में बहुत सुनिश्चित किया गया और सभी विभागों ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई और उसका निरंतर द्रावते शासन को रिपोर्ट भी जनपद स्तर से भेजा गया और जनपद की स्थिति प्रदेश में अच्छी रही है और गाँव के जनपदों में हम लोगों का प्रश्न रहा है। उसी क्रम में ये 3rd फेज का जो शुभारंभ हो रहा है उसमें भी हमारा प्रयास रहेगा कि जनपद की स्थिति जो है वो सभी देश के अंतर्गत अच्छी स्थिति में रहे और मैं बताना चाहूँगा कि इस स्कीम के अंतर्गत जो मुख्य विभाग हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनके संबंध में कि उनके द्वारा क्या प्रयास किए गए, संक्षेप में अपनी बातों को रखना चाहूँगा। इसमें जो प्रमुख विभाग है गृह विभाग, गृह विभाग के अंतर्गत सभी पुलिस थानों में महिला एडमिट्स की स्थापना की गई, बीट सिपाहियों में महिला रक्षियों की तैनाती की बात की जा रही है, तैनाती होने जा रही है। इसके अलावा जो महिला सैन्य दस्ता बनाए गए ये सब प्रयास किए गए। उसके अलावा जो स्कूलों में बॉक्स लगाए गए हैं, शिकायत पेट का लगाए हैं, उनके तंत्राओं पर प्रवेक्षण किया जा रहा है, डिपार्टमेंट के द्वारा बच्चों से संपर्क स्थापित किया जा रहा है गर्ल्स स्कूल विशेष तौर पर महिला डिग्री कॉलेजों में। इस तरह से महिलाओं को एक विश्वास जागृत करने, उनकी सुरक्षा को बेहतर करने और उनके अंदर आत्मा विकास करने के लिए गृह विभाग द्वारा ये सब अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत फिर दूसरा विभाग महिला कल्याण विभाग से भी स्कीम्स दिए जा रहे हैं, योजनाएं दी जा रही हैं। उनको मुख्यमंत्री जी द्वारा लगभग 1.5 लाख नए हीरो पेंशन लाभार्थियों को धनराशि प्रेषित की जाएगी, इनके साथ ही साथ पुराने लाभार्थियों को भी धनराशि प्रेषित की जाएगी, संचालित होंगे। इनके अंतर्गत अपने जनपद में 5200 कन्या सुमंगला के लाभार्थी हैं जिनके खाते जुड़े हुए हैं विडो पेंशन के। इसके अलावा जो हमारे मुख्यालय स्तर से आज के शुभारंभ कार्यक्रम में होनी है और इसके अलावा
और भी समूह से जोड़ करके रिवॉल्विंग फंड दे करके उनको रोजगार दे करके लड़का लड़कियां हैं उनको उनके गार्जियन के ये सब मिशन शक्ति के अंतर्गत शामिल किया गया है। सभी डिपार्टमेंट में महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं का समेकित संकलन करते हुए उनके अंदर उनकी सुरक्षा सम्मान और स्वावलंबन का विश्वास जागृत करने का प्रयास है और इसे मिशन शक्ति के अंदर काफी स्तर तक हम सदर जो कार्रवाइयाँ की गई हैं उसको हम आगे ले जाएं और आप लोगों का जो आज 75 महिलाएं चिन्हित हुई हैं जिन्होंने पिछले दो फेज में सक्रिय भूमिका निभाई है वो आगे ऐसा रहेगी कि वो पिछले दो फेज के जो सहयोग दिया है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती अंजू चौधरी जी मंच पर बैठे शुभारंभ में
अपना महत्वपूर्ण प्रोग्राम देने के लिए यहाँ पर उपस्थित प्रदेश की माननीय राज्यपाल माननीय श्रीमती पवनजी रंजित जी, समारोह के मुख्य अतिथि भारत सरकार की लोकप्रिय कृषि और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, समारोह के विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित अपोलो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के संयुक्त प्रबंध निदेशक डॉक्टर सुनीता रेड्डी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में बड़े वरिष्ठ सहयोगी मुख्यमंत्री डॉक्टर अजय शर्मा जी, वित्त संसदीय कार्य के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, महिला और बाल विकास विभाग के मंत्री श्रीमती पॉली सिंह जी, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष श्रीमती दुर्गा आसन जी, प्रदेश के मुख्य सचिव अपर मुख्य सचिव गृह पुलिस महानिदेशक पुलिस प्रशासन से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, प्रदेश के प्रत्येक जनपद के यहाँ पर उपस्थित मिशन शक्ति के प्रथम और द्वितीय चरण में अपने अपने क्षेत्र में जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है, उन सभी संगठनों और संस्थाओं से उपस्थित खड़े करने और आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी बहनों, मैं सबसे पहले मिशन शक्ति के द्वितीय चरण की आज के कार्यक्रम देश की माननीय राज्यपाल समारोह की मुख्य अतिथि समारोह की विशिष्ट अतिथि प्राप्तिका रक्षाबंधन के पूर्व के आज के इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज के कार्यक्रम भले ही लोगों में तृतीय चरण का कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है और आजादी के अमृत महोत्सव को कार्यक्रम के अवसर पर मिशन शक्ति के प्रथम और द्वितीय चरण में जिन 75 बहनों ने अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया, आज की मुख्य अतिथि और प्रदेश की माननीय राज्यपाल जी ने उनका यहाँ पर सम्मान किया। यह कार्यक्रम प्रदेश के सभी 75 जनपदों के सभी जिला मुख्यालयों में भी इसी प्रकार की भव्यता के साथ आयोजित हो रहा है। अभी ये कार्यक्रम वहाँ पर लाइव चल रहा है, इस कार्यक्रम के तत्काल बाद वहाँ पर भी हर जनपद की 75 ऐसी नारी शक्ति को सम्मान का एक कार्यक्रम प्रत्येक जनपद में भी आयोजित हो रहा है। इस अवसर पर 75 जनपदों की सभी बहनों को भी हृदय से बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, जिनके कार्य से नारी गरिमा, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन इस सामने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस विजन को प्रदेश में एक नई दिशा मिली। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर सभी 58,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में भी इस कार्यक्रम को सीधे प्रसारण किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली माताओं बहनों को शासन की योजनाओं की जानकारी मिल सके, जिन योजनाओं के बारे में जानकारी प्रभाव में वे अक्सर वंचित रह जाती है।
आप सब जानते हैं कि 2014 देश के अंदर युग परिवर्तन वर्ष है। जब देश के प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी ने इस देश के अंदर अपने नए विजन के साथ प्रधानमंत्री पद को सौंपी थी, उन्होंने जीवन को प्रत्येक क्षेत्र को एक नई दिशा देने का कार्य प्रारंभ किया और उसमें से एक क्षेत्र था देश की लगभग आधी आबादी की सुरक्षा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन को लेकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्राधान्य रहा हो, मातृवंदना का कार्यक्रम रहा हो, जननी सुरक्षा का कार्यक्रम रहा हो या फिर जनधन अकाउंट के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की हर एक महिला को आर्थिक स्वावलंबन के माध्यम से अग्रसर करने का, नारी गरिमा की रक्षा के लिए हर गरीब से गरीब घर में भी हम इज्जत घर का निर्माण करेंगे, एक शौचालय का निर्माण करेंगे, स्वामित्व योजना के माध्यम से विरासत का अधिकार उन्हें उपलब्ध कराने का कार्यक्रम हो या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से घर के मालिक के रूप में उसे घर का अधिकार देना, मान सम्मान पत्र और मास्क और आदि का शासन के मुद्दे से सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती श्वेता सिंह, श्रीमती सुशीला कुमारी, श्रीमती मुद्दा वैस, श्रीमती सुप्रिया मिश्रा, इधर देखिएगा माया सिंह, डॉक्टर डिंडू पांडे, बाल विकास इधर पीछे हो जाएगा, पीछे होइए, होइए पीछे पीछे इधर देखिएगा, इधर देखिए, इधर इधर देखो इधर सोनी गुप्ता, पिंकी यादव, अरे आप लोग लाइन में रहिए, पीछे भाई पीछे उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय योगी जी के नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री के योजना के तहत आज ये तीसरे चरण का महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम प्रारंभ किया है और हमें हम सबको इस बात की खुशी है कि हमने इस नगर की अति सम्मानित और सफलतम चिकित्सकों को, शिक्षिकाओं को, आंगनबाड़ी वर्कर्स को, ग्राम प्रधान को,
सबको यहाँ बुला करके स्वयं सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को सबको यहाँ बुला कर सम्मानित किया है। और इस कार्यक्रम के पीछे जो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री की अवधारणा है कि इन महिलाओं से प्रेरणा लेकर के महिलाएं आगे बढ़ेंगी, अपने आप को पहले से और सशक्तिकृत करेंगी, और जिस समाज में परिवर्तन की हम बात करते हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण और अधिकार संपन्नता के विरुद्ध बिना ये संभव नहीं है। मुझे विश्वास है कि यह कार्यक्रम उसमें एक मील का पत्थर साबित होगा।